होटल वालों ने उनका बुकिंग ऑल ऑफ सडन कैंसिल किया है। होटल के मालिक कैसे हो सकता है? जरा होटल के मालिक को बुलाओ, क्यों बुकिंग कैंसिल किया? होटल के मालिक को बुलाओ, बुकिंग क्यों कैंसिल किया इसका? होटल नहीं जाने दे रहा, कैसे कैंसिल कर सकता है? होटल का ये व्हाई कांट अ पुलिसमैन, व्हाई कांट अ पुलिसमैन टेक हिम एंड अकंपनी अलोन? सर, देयर इज क्लियर कट थ्रेट व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड। आई कैन नॉट डू दैट एज वेल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई कैन नॉट डू दैट। यू प्रेजेंट मी एनी पीस ऑफ लॉ, एनीथिंग, आई कैन नॉट डू दैट। सर पढ़ो सर, देयर आर 10 पीपल हु आर रिटन दैट इट इज अ थ्रेट। आई कैन नॉट ब्रिंग दोस टू पीपल टुगेदर। 10 पीपल इन रूम्स सर, आई एम 10 पीपल टर्न 10 रूम्स, यू प्रोटेक्ट 10 रूम्स। Not full water. Water, not complaint. Not government complaint. Not government order. Only 10 rooms, 10 MLS. You are protect 10 MLS. Sir, can we see the written complaint? Sir, I'll submit, sir. There is no definition of a room or anything. Yes. The definition in law is a premises. In definition or in law is a premises. So the premises has to be secured by me. I cannot let, if anyone has written me that he's a threat, I cannot let those two people come, and I cannot take that risk. I am bound by law. So they've written only for one person? Sir, they have written other names also, and this will be disclosed. But Have they written the name of this minister? Sir, they have specifically written. So I cannot. Not my name. Same name. And sir, we have a situation at hand. If they say that they want to meet, sir has been trying and I've been very cordial with him. If they say that they want to meet him and he is saying that they are his friends, so if they want, I don't have any. And he's there, he's very comfortable here. He's comfortable. Sir, he's comfortable. Sir, main unko rest house jaane ke liye maine khud invite kiya sir. Rest house par aaye hain. Sir, aapko nahi, main abhi hum log aisa karte hain. सपोज मेरा इसके अंदर ओपिनियन है। सपोज जैसे ये निशानदार जी बोल रहे हैं कि नहीं, इनको वो कंप्लेंट किया है, इसलिए इनको हम अंदर छोड़ लेते हैं। हमारे खिलाफ तो कोई कंप्लेंट नहीं है, आपके खिलाफ तो कोई कंप्लेंट नहीं है। हम दो लोग चलते हैं, चल के बात करते हैं, उनको पूछ मिल लेते हैं कि भाई आपको जान का खतरा है क्या? हमें ये लग रहा है कि उनको खतरा है, उनको जान का खतरा है, हमको ये लग रहा है उनको हॉस्टल करके रखा है, अंदर रखा हुआ है। ये नहीं, वो कांग्रेस के एमएलए है, हमारी पार्टी के एमएलए है। इनके पास की है, चाबी है, तो कैसे अंदर जाने नहीं दे सकते, कैसे रोक सकते हैं? नहीं नहीं, डू मच, ये पूरा गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है। मुंबई पुलिस पूरी गवर्नमेंट के कहने पे चल रही है। हमारा इतना ही कहना है, मैं समझ गया।